हेलो दोस्तों, मैं हूँ इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं एसके टेक ट्यूब। तो चलिए सब्सक्राइब मारिए एसके टेक ट्यूब चैनल को और इस बेल का आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। दोस्तों आज हम आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने चैनल के लिए एक लोगो, मतलब अपना खुद का लोगो बना सकते हो, वो भी खुद का पिक से। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए किस तरीके से बना सकते हो। तो अपना चैनल जो क्रिएट करना होता है, तो चैनल के लिए पहले आप लोगों को चाहिए होगा एक लोगो, एक चैनल, नया चैनल बनाने के लिए एक लोगो चाहिए होगा पहले ही। तो लोगो किस तरीके से आप लोग बना सकते हो, आज मैं आप लोगों को वही पहले सिखाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे और टिप्स देता रहूँगा, ठीक है, किस तरीके से थंबनेल बना सकते हो, किस तरीके से आप लोग टैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ज़रूरत होगा लोगो, तो चलिए देख लीजिए कि किस तरीके से आप लोग अपने चैनल के लिए लोगो बना सकते हो गाइस, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, मैं यहाँ पर पिक्सट पर मेरा जो लोगो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बैकग्राउंड क्रिएट किया हूँ खुद। तो आप लोग अगर ये, मतलब ये बैकग्राउंड बनाना नहीं, मतलब आप लोगों को नहीं आता है बैकग्राउंड बनाना कि किस तरीके से आप लोग लोगों का बैकग्राउंड बना सकते हो, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इस बैकग्राउंड का लिंक, मतलब ये जो लोगों का बैकग्राउंड है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा, आप जो भी पिक्चर से लोगो बनाना चाहते हो तो उस पिक्चर को आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली पिक्सट से बना रहा हूँ ये लोगो। तो आप लोगों को अगर पिक्सट नहीं आप लोगों का फ़ोन में, तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड पिक्सट का जो लिंक है, मतलब एप्लीकेशन लिंक, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस ऐड वाला ऑप्शन पर जाना है एंड अपना जो पिक्चर है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पर मेरा पिक्चर ऐड कर लिया हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पिक्चर को कटआउट कैसे किया, मतलब बैकग्राउंड जो है उसको इरेज कैसे किया। तो आप लोगों को अगर पता नहीं है कि बैकग्राउंड को इरेज कैसे कर सकते हो आप लोग, तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि बैकग्राउंड को कटआउट कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जाकर देख सकते हो वीडियो। तो आप लोगों को यहाँ पर कटआउट करने के बाद, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को सेटिंग कर लेना है, पिक्चर को सेट कर लेना है अपने मुताबिक से। आप लोग जितना जूम कर सकते हो कर लेना, मतलब मेरा पसंद से मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मुझे इतना जूम, मतलब इतना जूम अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो आप लोग जितना चाहे रख सकते हो। और रखने के बाद आप लोगों को जाना होगा इस जो रिमूव वाला ऑप्शन है, इरेजर वाला ऑप्शन, इस पर आना है। आने के बाद हार्डनेस को यहाँ पर फुल कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड जो नीचे जो हिस्सा है, मतलब बेकार जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप लोगों को कुछ इस तरीके से रिमूव कर देना है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिमूव कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली जल्दी से जल्दी रिमूव कर देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना गाइस। मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे किया हूँ, तो मैं जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आप लोगों को इधर उधर मिल सके, देख सकते हो। यहाँ पर जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कट हो जा रहा है, ज़्यादा कट हो रहा है। तो आप लोग टाइम देकर अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ बस, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगो यहाँ पर बन गया है, अपने आप खुद का पिक का लोगो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोटेशन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना गाइस। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा कमी दिख रहा है जो है यहाँ पर हेयर, तो हेयर यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए भी आप लोगों को हेयर PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो हेयर PNG ऐड कर लिया हूँ। तो जैसे कि पिक्चर को ऐड किया था उसी टाइप से आप लोगों को इस हेयर को भी ऐड कर लेना है। तो इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को हेयर को यहाँ पर फिट कर देना है। तो गाइस, जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैं हेयर को यहाँ पर बिठा दिया हूँ। तो आप लोगों को ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों को आना है इफेक्ट्स पर, और इफेक्ट्स पर आने के बाद आप लोगों को जो फास्ट में मिल जाता है HDR वाला, तो HDR को थोड़ा सा यूज़ करना है। मतलब यहाँ पर फेड को यहाँ पर आप लोगों को रखना है 70 से 75 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर
73 रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ एंड ऊपर से डन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो तो बहुत ही ग्लोइंग इफेक्ट आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग लोगो क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपना चैनल के लिए। तो ठीक है, तो इसको मैं सिंपली सेव कर लूँगा यहाँ पर ड्रॉ वाला ऑप्शन में जाकर। ड्रॉ वाला ऑप्शन में आता हूँ और ड्रॉ वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन देख सकते हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव इमेज कर दूँगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर नहीं पता है कि किस तरीके से आप लोग लोगों को लगा सकते हो अपने चैनल के ऊपर, तो आप लोगों को मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को पहले जाना है अपना YouTube पर, और जिस भी जीमेल से आप लोग मतलब जिस भी जीमेल से आप लोग YouTube चलाते हो तो उस जीमेल पर जाना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ SK Tech Tube मेरा चैनल, तो यहाँ पर पहले देख सकते हो आ गया है मेरा चैनल SK Tech Tube। तो कुछ इस तरीके से आप लोग आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर पहले तो आप लोगों का चैनल इस तरीके से नहीं आएगा, तो आप लोगों को किस तरीके से आप लोग फोटो चेंज कर सकते हो वो भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर YouTube खोलने के बाद जैसे देख सकते हो ऊपर में आ रहा है मेरा जो फोटो का यहाँ पर लोगो, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसके ऊपर जाना है आप लोगों को। ठीक है, एंड यहाँ पर माई चैनल पर क्लिक कर देना है, एंड माई चैनल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो सेटिंग पर क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर फोटो का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो फोटो का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड चूज फॉर्म गैलरी कर देना है, एंड करने के बाद आप लोगों को पहले ही फोटो मिल जाएगा। अभी हमें सेव किया हूँ इसलिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली फोटो को क्लिक कर दूंगा, एंड क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप लोगों को जूम आउट करना है कुछ इस तरीके से, फुल एकदम फुल जूम आउट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड आप लोगों को आप ऊपर से यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, तो सेव करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो मेरा तो पहले से ही यहाँ पर लोगो लगा हुआ है मेरा खुद का पिक का, तो मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो आप लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो में बताने के लिए और दिखाने के लिए बस इतना ही था। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा आप लोगों को एंड थोड़ा सा भी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सबके साथ शेयर कर देना, क्योंकि चैनल मेरा नया है आप लोगों को पता ही है। एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।